हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखने चल रहे हैं। इससे पहले कि इंग्लिश की क्लास में हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कैसे सॉल्व करना चाहिए उसकी कुछ शॉर्टकट्स देख लिए थे, वो हमें बेहतर तरीके से याद हो जाने चाहिए। आओ मिलकर के कुछ एग्जाम्पल्स देखें। यदि किसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बनाना होता है, ये एफ आर एक्टिव एक्टिव है, हम इन्हें हम पैसिव बनाने जा रहे हैं। तो जब हम इन्हें पैसिव बनाने जाते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले वर्ब मालूम हो जानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो वेयर इज द वर्ब एंड इन विच फॉर्म इट इज गिवन देयर। तो वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, और हमारे पास फार्मूला था उस दिन शॉर्टकट में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स ये वाला फार्मूला लगेगा। और ये ऑब्जेक्ट हर जगह कॉमन रहेगा बच्चों, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ये भी कॉमन रहेगा। तो कितना सा फार्मूला लग गया आपका, इज ए मार्क प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि आपका इज ए मार्क प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला फार्मूला लगना चाहिए। वर्ब रही टेक्स, वर्ब के ठीक बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा एक बादाम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और वर्ब के ठीक पहले हमें सब्जेक्ट मिलता है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। अब फार्मूला जितना बोलता है उतना करते चले जाएंगे, आसान सी बात हो जाएगी। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका कौन है, एन अमंड, एक बादाम, एन अमंड, एक बादाम है भैया। तो उसके साथ आप इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एम। तो चूंकि ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए एन अमंड इज। अब फॉर्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया इज ए मार, इज हेल्पिंग वर्ब लिख दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक्स है, तो आपको इतना जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक, टूक, टेकन। फॉर्मूला में बाय प्लस सब्जेक्ट हमेशा मिल जाया करेगा, नॉर्मली मिल जाया करेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो बाय टेक, सॉरी अब व्हाट इज रॉन्ग दियर, बाय, बाय कौन, बाय सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट कौन है आपका इधर, ही। तो दैट ही वेन एवर इट कम बैक इट चेंजेस इंटू हिम, जब ये कभी पीछे आता है तो इट विल चेंज इंटू हिम, यह हिम में बदल जाएगा। कई ये ग्रामर की किताबें बोलती है बच्चों, इनफैक्ट इन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम वी वर टोल्ड ये बाय बाय मत लिखो, पर हमारी कई सारी ग्रामर की किताबें हैं बच्चों, वी आर इंडियन और हमें आदत है बाय हिम, बाय देम, बाय हर ऐसा लगाने की, ठीक है। और हमारी ग्रामर की किताबों में दे भी रखा वैसा ही है, पर कई प्रोफेसर्स कहते हैं कि वो मत लगाइए आप, पर हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा ही ट्रेडिशनली हम ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं। सी डज नॉट टीच देम हिंदी, इस सेंटेंस का विश्लेषण कर लेते हैं, सॉल्व इन सभी के बात करेंगे। टीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये फार्मूला लग जाना चाहिए। वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट है, ये हिंदी क्या चीज है। वर्ब से ठीक पहले डू नॉट डज नॉट है, परंतु ये सी सब्जेक्ट है, इसे हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करते, पहले इधर आ जाते हैं। माय फादर विजिट्स द ताज बाय टैक्सी, विजिट्स वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में है, तो सब्जेक्ट कौन है उधर, माय फादर, फादर भी और माय भी, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे और सब्जेक्ट बन जाएगा आपका माय फादर। माय चूंकि पजेसिव केस है, आप पजेसिव केस उनको कहते हैं जो अपने साथ किसी न किसी चीज को हमेशा रख कर चलते हैं। दे स्कूल या देयर स्कूल, आई एम गोइंग टू मी स्कूल या माय स्कूल, माय स्कूल, देयर स्कूल, माय पेन, योर पेन। तो पजेसिव केस वो होते हैं, वह शब्द जो पजेशन की बात करता है, तो ये माय जो प्रोनाउन है ये पजेशन की बात कर रहा है, इसलिए इसके साथ फादर जुड़े हुए है, हमेशा पजेसिव के पजेशन की बात करते हैं। तो माय फादर सब्जेक्ट है, वर्ब है, द ताज ऑब्जेक्ट है, द ताज ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाय टैक्सी हमारी ये अदर वर्ड्स कहलाती है, क्या कहलाती है, अदर वर्ड्स, बाय टैक्सी ये अदर वर्ड्स हो गया। नॉर्मली ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन वगैरह मिला तो समझ जाइए वहीं से अदर वर्ड्स है, जिसका हमें सेंटेंस से कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसको हम कोई भी मतलब का भी मत रखिए, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सेंटेंस रह गया माय फादर विजिट्स द ताज, ऑब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस लंबा होता जा रहा है और कहीं प्रीपोजिशन मिल रहा वहीं पर, तो प्रीपोजिशन से लेकर के जहां खत्म हो रहा उधर तक के हमें अब अदर वर्ड्स मिल जाएंगे, तो ये अदर वर्ड्स हो गए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फार्मूला आपका यही लगेगा, ऑब्जेक्ट मांग रहा है फार्मूला, तो ऑब्जेक्ट आपका कौन है, द ताज, द ताज,
इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है द ताज इज वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिट है वर्ब तो ये विजिटेड हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से बाय बाय कौन सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है माय फादर पजेसिव केस अपने साथ कभी भी कोई भी चीज जो कि त्यों लेकर आता है जो कि त्यों लेकर के सामने भी जाता है तो माय फादर विल रिमेन माय फादर ओनली माय फादर अब आपके पास क्या बचा ये बाय टैक्सी तो बाय टैक्सी चुपचाप हम लिख देंगे बाय टैक्सी अदर वर्ड्स को जो का त्यों लिख देंगे ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य हो गए बच्चों अब आपके सामने है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है आई एम टेकिंग टी सी इज प्रिपेयरिंग कॉफी माय मदर इज प्रिपेयरिंग माय लंच प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी रीता इज मेकिंग कॉफी फॉर हर फ्रेंड्स जब किसी सेंटेंस में इज एम आर और वर्ब में आई एन जी मिलती है तो उसमें हम फार्मूला लगाते हैं इज एम आर प्लस बीइंग इज एम आर प्लस बीइंग इज एम आर प्लस बीइंग ये वाला फार्मूला लगाते हैं आप कहेंगे ये नहीं लगाते क्या ये नहीं लगाते क्या तो ये कॉमन है वर्ब की थर्ड फॉर्म माय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये कॉमन है तो याद करने वाली बात क्या है आपके पास बच्चों जब किसी वाक्य में इज एम आर और वर्ब में आईएनजी मिला यानी कि आपका फार्मूला लगेगा इज एम आर प्लस बीइंग माय प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म माय प्लस सब्जेक्ट बोलने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल रीता इज मेकिंग कॉफी मेकिंग वर्ब है बच्चों हम जानते हैं मेकिंग वर्ब है आईएनजी भी लगा है तो बना रहा है तो क्या नहीं बना रहा भैया तो ये कॉफी ही बन रही है कॉफी ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन वगैरह मिल गया प्रीपोजिशन बाय प्रीपोजिशन फॉर तो वहां से आप फॉर हर फ्रेंड्स इसे आप अदरवर्ड्स मान लीजिए ओ डब्ल्यू अदरवर्ड्स मान लिया तो और वो सब्जेक्ट आपकी रीता है वो आपको मालूम है रीता ठीक है ये आपकी रीता आपकी सब्जेक्ट हो गई ये हेल्पिंग वर्ब है अब फार्मूला जितना बोला उतना कर दीजिए फार्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट आपका कौन है कॉफी तो कॉफी आगे भी जाएगी तो कॉफी ही रहेगी भैया पेसिव वाइज हो रहा है ठीक है कॉफी इज एम आर कॉफी एक ही है इसलिए इज कॉफी इज इस वाले इज से भ्रमित ना होइए ये इज क्यों लगा है क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट कॉफी है इधर से उधर जब गया तो वो भी सिंगुलर ही मिला और इधर रीता भी सिंगुलर ही थी इत्तेफाक की बात थी अब आपके पास फार्मूला बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग तो बीइंग तो बीइंग लगा देंगे भैया उसके लिए हमारे पास कोई मंत्र नहीं होता जैसा मैं यूजुअली कहता हूँ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म मेकिंग मेड नॉर्मली खाने पीने की चीज़ को प्रिपेयर करते हैं बच्चों ठीक है मेड बाय बाय कौन सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है आपका उधर रीता है तो रीता इधर आ जाएगी तो रीता ही रहेगी रीता कुछ और नहीं बदल जाएगी फार हर फ्रेंड्स को फार हर फ्रेंड्स लिख दीजिए फार हर फ्रेंड्स अब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है कैसे पहचान लिया भाई हमने क्योंकि जब किसी सेंटेंस में हेज आई हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली समझ लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और जब किसी सेंटेंस में हेज या हैव मिला तो हमारा फार्मूला क्या होगा हेज हैव प्लस बीन फिर आप बोलेंगे इतना सा क्यों बोलते हो लिखते इतना बड़ा हो तो वो इतना बड़ा इसलिए फार्मूला है एक्चुअली इतना ही हैज हैव बीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट ये सब कॉमन चीज हो गई ये कॉमन चीज है ये कॉमन चीज हो गई हमारे लिए इधर ऑब्जेक्ट भी हमारा एक कॉमन है अब फार्मूला जितना बोलेगा बच्चा उतना करते चलेंगे ठीक है बच्चों अब ये वर्ब है कार्ड हेज हैव लगा हुआ है हेज हैव ही बता रहा है कि थर्ड फॉर्म में पर अभी हमें इसका फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है हेज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है वर्ब के ठीक बाद आपका ऑब्जेक्ट है देम और ये रहा हमारा सब्जेक्ट ये तो हेल्पिंग वर्ब रही अब फार्मूला जितना बोलेगा उतना करते चले जाएंगे बच्चों यहाँ पर कर लेते हैं फार्मूला बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखो ऑब्जेक्ट आपका देम है तो देम जब आगे जाएगा बच्चों तो काहे में बदल जाएगा देम देम विल चेंज इनटू दे अब ये फार्मूला बोल रहा है हेज या हैव लगाइए तो दे चूंकि प्लूरल नंबर आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों पहले से ही भी हैव दे हैव अब वर्ब की दे हैव बीन सॉरी बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है आपका आई वेन एवर आई कम्स इनटू बैक दैट विल चेंज इनटू मी बाय मी जब आई उधर से इधर चलकर आएगा तो मी में बदल जाएगा बच्चों अब मैंने कहा था कि ये वाला सेंटेंस अपन थोड़ा देर से करते तो आओ थोड़ा उसके लिए स्पेस बना लेते उसमें कुछ ज्यादा बोलना था
आपने देख लिया बच्चों, अब मैं इसे थोड़ा सा रब आउट करने जा रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज हो तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो लगाओ ना भैया, डू या डज भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, पर चूंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट जो कॉमन ही रहता है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, प्लस नॉट। क्यों नॉट? क्योंकि हमारे पास सेंटेंस नॉट वाला आ गया है, नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इतना सा। अब इसका विश्लेषण कर लेते हैं कि इसमें करना क्या है। चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट देम हो गया, या ऑब्जेक्ट वन, एंड हिंदी ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमें देम कह देने के बाद जो हिंदी आ गया, इसे हम अदर वर्ड्स में डालने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा हमें। अदर वर्ड्स में हम तभी डाल पाते जब हमारे पास कोई इपोजिशन प्रीपोजिशन मिल जाता है, तो वैसे भी कोई कहानी नहीं हुई, इसलिए अब हम इसे अदर वर्ड में भी नहीं डाल सकते। दैट मीन्स ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब के ठीक बाद जो का त्यों लिखते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब के ठीक बाद जो का त्यों लिखते हैं जब हम इसका आंसर बनाते हैं। आओ, अभी ऑब्जेक्ट सेकंड की यहाँ कोई कहानी नहीं हुई, मैंने मुँह से बोलकर बता दिया। ऑब्जेक्ट सेकंड को वर्ब के ठीक बाद जो कहते हैं लिखते हैं, अभी इसे भूल जाइए। ऑब्जेक्ट वन देम को जब हम आगे लेकर चलेंगे बच्चों, तो देम विल चेंज इनटू दे। इज, एम, आर, चूंकि दे प्लूरल नंबर है इसलिए हमने आर लगा दिया, दे आर नॉट, तो नॉट लगा दीजिए बच्चों, नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, तो ये हो जाएगी टाट। अब मैंने बोला था ऑब्जेक्ट सेकंड को वर्ब के ठीक बाद जो का त्यों लिखते हो, जो भी जब भी जैसा भी आ जाए, हिम आ जाता, हर आ जाता, ऑब्जेक्ट सेकंड वैसा का वैसा ही लिखते हिंदी। अब आपका बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास कौन है, उधर शी है, जब शी इधर आती है तो वो काहे में चेंज हो जाती है भैया, हर। बच्चों मुझे ऐसा लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है, इतना सीखिए, समझिए। कोई नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बराबर से पूछिए, और नेचुरली आपको पसंद आता ही होगा, आई होप सो, एंड आई होप कि आपको पसंद आ जाए मैं जो पढ़ा रहा हूँ। इन दैट वे यू मे सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट आल्सो। थैंक यू।